चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी जयपुर में प्रशिक्षु पुलिस उप निरीक्षक और यहाँ पर पलाटून कमांडर का दीक्षांत परेड समारोह शुक्रवार को राजस्थान पुलिस एकेडमी में आयोजित हुआ है और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सीएम अशोक गहलोत रहे। इस दौरान डीजीपी एमएल लाठर भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम अशोक गहलोत ने परेड का निरीक्षण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि समारोह में आने की मुझे बेहद खुशी हुई है और सभी ट्रेनियों को मेरी शुभकामनाएं हैं। सीएम ने कहा कि पुलिस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है और उनकी भागीदारी शासन तंत्र को आगे बढ़ाएगी। वही सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में महिला सुरक्षा की व्यवस्था की और साल 2022 में दहेज के मामले में बहुत ज्यादा कमी देखने को मिली है। सभी थानों में महिला डेस्क शुरू होने वाली है और साथ ही सीएम ने कहा कि हमारी कोशिश से महिलाओं के लिए काम शुरू हुए हैं। और इसी दौरान सीएम अशोक गहलोत ने घोषणा करते हुए कहा कि महिला ट्रेनियों के लिए हॉस्टल का निर्माण भी किया जाएगा जल्द। दहेज मृत्यु के प्रकरणों में 4% की कमी भी आई है। मुझे पूरा विश्वास है कि महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के अनुसंधान में ट्रांसपेरेंसी लाने तथा महिलाओं को न्याय दिलाने में हमारी महिला पुलिस अधिकारी एक न्याय सेतु के रूप में अपनी भूमिका निभाएगी। महिला एवं बच्चों की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए थानों पर संवेदनशीलता के साथ उनकी सुनवाई हो, इसके लिए राज्य के सभी 909 थानों पर महिला अधिकारियों की नियुक्ति करके महिला बाल हेल्थ डेस्क का सुचारू संचालन किया जा रहा है। हमारी सरकार के कार्यकाल में पुलिस विभाग में कुल 11,291 पुलिस कर्मियों की भर्ती एवं कुल 10,080 पुलिस कर्मियों को प्रमोशन दिया गया है। सरकार ने उल्लेखनीय एवं सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों के मनोबल में वृद्धि करने के लिए 311 आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिए गए हैं। राजस्थान पुलिस अन्य प्रदेशों की पुलिस से बेहतर कार्य कर रही है। राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस का व्यवहार भी अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अच्छा है। मुझे बताया गया कि राजस्थान पुलिस अकादमी के हाल ही में पुलिस के व्यवहार में सुधार हेतु एक कोर्स आयोजित। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर जमकर